माय यूट्यूब फैमिली राधे राधे। तो हम आ चुके हैं भाई के घर और देख सकते हैं आप भाई का घर यहाँ पर आ चुके हैं। रास्ते में कोई ब्लॉगिंग नहीं की और देखो भाई भाभी लगी हुई हैं तैयारी में नाश्ता वास्ता तैयार कर रही हैं, तो हमारे लिए तैयारी में लगी हुई हैं और सब इधर उधर बैठे हैं। भाई रूम में बैठा हुआ है, अंदर किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा है और मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ। अभी 5 मिनट हो चुके हैं हमें आके। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह उठ चुके हैं और भाभी इधर फ़ोन चला रही हैं, भाई चला गया है अभी साइड पे क्योंकि उसको ज़रूरी काम था कुछ साइड पे, तो वहाँ निकल गया है। और हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत मस्ती की रात में, पता नहीं कितना टाइम हो गया था, 1-2 बजे तक जगते रहे हम दोनों नहीं तीनों जगते रहे, भाई सो गया था बस। उसको सुबह से ऐसा है ना, साइड पे थोड़ा ज़्यादा काम चल रहा है तो इस वजह से थोड़ी थकान हो जाती है रात को, और वो सो गया था। बाकी हम तो तीनों दो बजे तक जगते रहे शायद और फिर बाद में बातें करते रहे। अच्छा लगता है ना कहीं जाओ तो। और अभी उठ के बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी चाय वाय पी चुके हैं हम, रात में भी खाना पीना सब बाहर से ही आया था, और खाना खा पी के और फिर मस्ती करते रहे 2 बजे तक रात को। और यहाँ के तो वैसे भी अच्छा लगता है भाभी के, और भाभी भी फोन चला रही है अपना। हेलो गुड मॉर्निंग दीदी, आती है तो हमारा तो इतना मन लगता है, सोते ही नहीं है, नींद भी सब चली जाती है बहुत अच्छा लगता है दीदी आती है। आज इन्होंने छुट्टी ले रखी है हमारी वजह से और कल भी हमसे पहले पहुंच गई थी है ना, कल भी जल्दी आ गई थी, हम थोड़ा लेट आए थे लेकिन ये हमसे पहले ही पहुंच गई थी घर पे। रास्ते में ना फोन आ रहे थे बार बार कि कितने बजे तक कर रहे थे होता है ना जब पता चल जाता है ना कि आने वाले हैं, ऐसे हमें लगता है कोई आने वाले हैं ना, तो कि आ क्यों नहीं रहे, बहुत टाइम क्यों लग रहा है, ऐसा लगता है जब ऐसे ही हो जाता है। तो हम आए उससे पहले भाभी पहुंच चुकी थी, आज इन्होंने छुट्टी ले रखी है क्योंकि हम जाएंगे शाम को शादी में, और शादी में थोड़ा लेट ही जाना है, तो जब तक तो अकेले कैसे रहते, तो फिर इस वजह से। और भाई भी बोल के गया 1-2 घंटे में मैं आ जाऊँगा, थोड़ा साइड पे काम वाम सेट करा के, होता है ना खुद अच्छे से जितना करा पाते हैं इतना लेबर लोग नहीं करते हैं, तो उसका वैसे भी कॉन्ट्रैक्टर का काम है तो वो अपना चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है उनकी, तो साइड चल रही है उनकी, तो इस वजह से जाना ज़रूरी था। अभी 8 बज गए ना, 8 से पहले ही चला गया, और जाने में भी थोड़ा सा आजकल ऐसा हो रहा है शायद जल्दी काम चल जाता है ना। हाँ, रात को भी हम आए थे उससे बाद तक उसका काम चला था क्योंकि वहाँ साइड से जल्दी आ गया था हमें लेने की वजह से, घर छोड़ने की वजह से फिर नहीं गया, फिर तो ऐसे ही हो जाता है जब काम चलता है ना। हमें तो पता है हमने घर पर काम कराया ना वहाँ, अरे भाई इतने बिजी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और ये तो खैर बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है भाई जरा सा भी, क्योंकि कितने बड़े बड़े फ्लैट होते हैं यहाँ पर, 16-16 लेबर के साथ ना खड़े होने पड़ते हैं, 16-16 है ना, और भी ज़्यादा है शायद 24 कहीं 24 इतने बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखभाल करके बनवाना पड़ता है भाई। तो अभी हम बैठे हुए हैं, अभी नहाए वहाए नहीं है, चाय पी के आराम से बैठे हुए हैं, आराम से होगा तो काम आज काम आराम से होगा, बातचीत चलेगी बस और वीडियो बनाएंगे। हाँ वो सो रहा है अभी, दूसरे वाले रूम में सो रहा है आकाश, और हम लोग जग गए, हम यहाँ सो रहे थे तीनों यही सो रहे थे, और दो चार घंटे सुबह भी बहुत जल्दी जग गए, शायद 6 बजे के करीब उठ गए, तो भाई उठ गया, उससे जल्दी उठना होता है आजकल, वो जग जाता है जल्दी साइड की वजह से, सो भी जल्दी गया था वो, आके खाना वाना खा के फिर सो गया था। वैसे वो कभी पता है हम लोग मिले हैं तो कभी बहुत लेट तक जगता है, लेकिन लेकिन इस बार थोड़ी थकान वकान सी हो रही है ना, तो इस वजह से वहाँ भी जाता है ना, तो भी हमें 3-3 बज जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। तो बैठे हुए हैं अभी, अभी नहाएंगे
और नहाने के लिए भी अभी आलस आ रहा है, तो दोनों को दोनों बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं अपना, और अभी बैठे हुए हैं। तो चलो ये फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं आई हूँ ऊपर, जो कि गाजियाबाद दिखा देते हैं पूरा ऊपर से, और भाभी अभी नीचे काम कर रही हैं। मैं आ गई थी ऊपर, बोला दीदी आप टहले आओ ऊपर, क्योंकि नीचे ना नेट नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नेट नहीं आ रहा, नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरा जो नेट है वो बिल्कुल नहीं आ रहा यहाँ पे, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा ऊपर आती हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ का व्यू देखिए आप चारों तरफ का, अच्छा लग रहा है ना। और चारों तरफ बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार, ये है यहाँ का व्यू गाजियाबाद का, जो कि देखो अच्छा लग रहा है देखने में। मैं आई हूँ तो थोड़ा सा सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ यहाँ का ऊपर ऊपर से गाजियाबाद का कैसा लगता है। देखो और अच्छा लग रहा है ऊपर घूमने में, लेकिन सुबह से ही ना धूप शुरू हो जाती है, इधर तो नहीं आ रही है लेकिन उधर ना बहुत तेज़ धूप है, तेज़ वाली धूप है, तो ऐसा हो रहा है मौसम। और डॉगी जो है चिल्ला रहा है मुझे देखकर, ऊपर रह रहा होगा तो इस वजह से वो चिल्लाने लग रहा है मेरी आवाज़ सुन के। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, और अब नहाएंगे वहाएंगे नीचे चलते हैं। और कल ना मैं यही वाला सूट पहनी आई थी, क्योंकि रात में आना था तो गर्मी बहुत लगती है ना रास्ते में, तो इस वजह से मैंने कहा कॉटन के सूट जो होते हैं वो ठीक रहते हैं। तो और ज़्यादातर मैं सब ना कॉटन के ही रख कर लाई हूँ, शादी में तो साड़ी वाड़ी पहननी पड़ेगी। और तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।